हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो प्रधान शिक्षक की जो भर्ती निकाली गई थी बीपीएससी के माध्यम से, अनुभव की जहां तक बात है 8 साल बीपीएससी के माध्यम से बताया गया था, लेकिन जैसा विज्ञापन में कहा जा रहा है कि उक्त क्रम में स्पष्ट करना है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत, इस पॉइंट को आप लोग फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, के अंतर्गत प्रशिक्षित मूल कोटि स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा लगातार 2 वर्ष पूरी हो चुकी है या उनकी सेवा संपुष्ट मानी जाएगी। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आयोग को और शिक्षा विभाग को यह अंदाज़ा लग गया है कि 8 वर्ष का अनुभव बहुत ही ज़्यादा अनुभव होता है, और वैसे अभ्यर्थी, वैसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी KVS में या किसी और अच्छे जॉब में है, वो तो दोबारा आएंगे नहीं। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम होने के कारण और सीटों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये जो एक्सपीरियंस है 8 साल, उसको घटा के 2 साल किया है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हो पाए और एग्ज़ाम को सुचारू ढंग से कंडक्ट कराया जाए। इसके अंतर्गत में यहाँ पे ये भी स्पष्ट किया गया कि इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र निर्गत कराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि आपको कोई अलग से, मतलब स्कूल से आपको कोई और लेटर नहीं देना होगा। जो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, बस वही प्रधान, अपने प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रभारी शिक्षक द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, ठीक है, उनके माध्यम से वो ले सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस को शो कर सकते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी के स्वयं प्रभारी होने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र, मतलब कि वैसे टीचर जहाँ पे कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, ठीक है, और या कोई और मेन टीचर नहीं है प्रधान शिक्षक, तो उस केस के लिए कहा ये जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा कि जाके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से वो एक्सपीरियंस या जो लेटर निर्गत कराए और उसको BPSC के साइट पे अपलोड करें, ठीक है, तभी उनको वो माना जाएगा, ठीक है। उपरांत नियुक्ति के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र के संपुष्ट पर प्रति हस्ताक्षरित भी किया जाएगा। मतलब कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तो निर्गत करेंगी, फिर उसके बाद चयन जब होगा, चयन मतलब जब फाइनल सिलेक्शन होगा, उस समय जो जिला के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, वो उस प्रमाण पत्र की संपुष्टि करेंगे, यानी कि उसको देख के और उसको अटेस्टेड करेंगे, तब वो एक्सपीरियंस आपका। ये कब का प्रोसेस है? ये सबसे लास्ट का प्रोसेस है। तो अभी आपको फ़िलहाल में जो आपके प्रधानाध्यापक हैं या प्रभारी प्रधानाध्यापक है या प्रभारी शिक्षक है, उनसे आप लोग अटेस्टेड कराइएगा और एक्सपीरियंस लेके आप लोग जमा कर सकते हैं। प्रभारी शिक्षक के केस में वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से ही अपना एक्सपीरियंस लेके एक्सपीरियंस को अपना दिखा सकते हैं, तभी वो मान्य होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और ये आज का है, ये देख सकते हैं 11 अप्रैल, ठीक है। तो इसके लिए एक और सा फॉर्मेट है, उस पर आप लोग उसे अटेस्टेड और अपना एक्सपीरियंस उस पर दे ले सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं उसे। तो फ्रेंड्स, ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र प्रधान शिक्षक के आवेदन हेतु। तो प्रमाण पत्र संख्या, मतलब कि जिस ऑफिस में आप हैं, जिस स्कूल में हैं, वहाँ पे एक रजिस्टर होता है, उसमें ये प्रमाण पत्र संख्या वहाँ से मिल जाएगा। डेट, विद्यालय का नाम, अपना नाम, विषय, पद और कब से कब तक का है, नियुक्ति तिथि और प्रशिक्षण उत्तीर्णात की तिथि, ठीक है। मतलब कि आपका जो BEd है वो उसका डेट इसमें डालना है, और अपने प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रभारी शिक्षक या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अटेस्टेड और मोहर, ठीक है, सिग्नेचर मोहर मीन्स अटेस्टेड करा के, और फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का हस्ताक्षर मोहर करा के। तो ये जो आपका है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, और ये आपको चयन के बाद दिखाना अनिवार्य है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन।